स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और अफवाहों से बचिए। और इन सब के बीच स्वाद बनारसी और शिवा चैनल इन दिनों अपने उद्देश्य से हटकर लॉकडाउन से जुड़ी जानकारियां बता रहा है, ताकि आप अपने शहर का आबो हवा बखूबी जान सके। बात आगे करें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक सभी जानकारियां पहुंचती रहे। श्री संकट मोचन मंदिर के इतिहास में ये पहला अवसर रहा है जब विश्व विख्यात 6 दिवसीय संगीत समारोह को पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला और लोगों ने सोशल मीडिया पर ही इस संगीत महाकुंभ में डुबकियां लगाई और इसकी वजह बनी विश्व में व्याप्त कोरोना महामारी। आज मंदिर प्रांगण में तय समय पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए महंत विश्वम्भरनाथ मिश्र ने कहा कि इस प्रांगण में संगीत शुरू से हो रही है। तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका के सभी चौपाई राग में लिखी है। कोरोना वायरस के चलते हो सकता है कि इस बार हनुमान जी महाराज को अकेले संगीत सुनने का इच्छा हो। यह संगीत नहीं बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान है जो हनुमान जी के निमित्त होता है। समारोह की शुरुआत पंडित राम मोहन महाराज ने राधा के गत भाव दिखाया। तत्पश्चात पंडित किशन मोहन महाराज ने 3 ताल की रचना को सूफी कलाम पर भाव नृत्य प्रस्तुत किया, जिसके बाद वंशी वादन की प्रस्तुति हेतु मुंबई से बांसुरी वादन के शीर्षस्थ कलाकार पंडित रोनू मजुमदार थे, जो राग झुंझुटी की अवतारणा की प्रस्तुति दी। पहले दिन की तीसरी प्रस्तुति कोलकाता से तबला कलाकार पंडित समर साहा की रही। बने रहिए स्वाद बनारसी और शिवा चैनल के साथ, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई जानकारी संग। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।